तो ये कहानी आप लोग अगर सुनोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये जो कहानी है बेसिकली विकास जी के बारे में है और मैंने ये कहानी पूरा पढ़ लिया है आप लोगों को, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों बेसिकली विकास जी जो होते हैं पहले लोको पायलट हुआ करते थे, यानी कि जो ट्रेन चलाते हैं उन्हें लोको पायलट कहते हैं, आप सब जानते ही होंगे। तो बेसिकली विकास जी जो हैं ज़्यादातर मालगाड़ी चलाया करते थे, उनको मालगाड़ी में ही ज़्यादातर ड्यूटी मिला करता था। तो एक रात की बात है, देखो जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, जो लोको पायलट होते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि भैया तुम ये ट्रेन ही चलाओगे, हमेशा तुम्हारा इसी ट्रेन पे ड्यूटी है। उन्हें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन में भेजा जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में भेजा जा सकता है। ठीक है, अभी हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा होगा धीरे धीरे, बट पहले में वैसा ही हुआ करता था और शायद अभी भी वैसा ही होता है मैक्सिमम। तो उस टाइम क्या हुआ, विकास जी जब 45 साल के थे, मुझे इन्होंने पूरा कहानी लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने पूरा पढ़ा इसको और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब एक बार तो मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ कि ये कहानी क्या सच में रियल था, अगर था तो फिर मानना पड़ेगा, सोचने वाली बात है। तो बेसिकली जैसे आप सब जानते हो, लोको पायलट को कभी भी कहीं पे भी मतलब भेजा जा सकता है ड्यूटी में, किसी भी ट्रेन में। तो होता क्या है कि एक ठंडी की रात थी, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंड का मौसम था उस टाइम का बात है ये। तो इन्हें बेसिकली क्या किया जाता है, इन्हें रात के 11:15 में फ़ोन आता है ऑफिस की तरफ से कि भैया आपको आना होगा, आपको मालगाड़ी अगले सुबह 8 बजे तक और स्टेशन में पहुंचाना है। अब इन्होंने ना स्टेशन के बीच का मतलब स्टेशन के नाम को स्पेसिफाई नहीं किया है, आई डोंट नो क्यों नहीं किया है, बट कुछ रीज़न हो सकता है। तो जो भी है, उनको बेसिकली ड्यूटी मिला हुआ था कि आपको 11:30 बजे ट्रेन पकड़ना है और उस ट्रेन को लेकर सुबह 8 बजे तक एक स्पेसिफिक XYZ स्टेशन में पहुंचना है। और ये जो ट्रेन है ये मालगाड़ी है, तो आप लोगों में से पता ही होगा कि मालगाड़ी को रात रात में कहीं पे भी रोक दिया जाता है सिग्नल ना मिलने के कारण। लेकिन यहाँ पे सिग्नल वगैरह या रोकना रोकने के बारे में कुछ नहीं है। बेसिकली वो कहते हैं कि उन्हें जो रूट दिया गया था वो एक नया रूट था, वो पहली बार उस रूट में जाने वाले थे, ठीक है। और ये जो रूट था बेसिकली एक सुनसान जगह, जैसे हम लोग रेलगाड़ी में सफर करते हैं तो हम लोग जानते ही हैं कि सुनसान जगह में ज़्यादातर तो खेत ही खेत नज़र आता है, लेकिन ये जो रूट था ना दोस्तों, ये रूट था एक जंगल के बीच, ठीक है, जहाँ पे चारों तरफ पेड़ पौधे ही नज़र आ रहे थे और उस जंगल के बीच एक ट्रेन पटरी था, ठीक है, उसी में एक सिंगल ट्रेन पटरी था, उसी में ये ट्रेन दौड़ने वाला था। तो विकास जी कहते हैं कि मैं इस रूट में पहले कभी नहीं गया था, मेरे साथ एक असिस्टेंट पायलट था। मतलब जब 11:30 बजे विकास जी उस ट्रेन को ऑन बोर्ड करते हैं, उस ट्रेन में ऑन बोर्ड होते हैं, तो उन्हें एक असिस्टेंट पायलट भी मिला था साथ में इंजन में। और लास्ट में जो आपने देखा होगा ट्रेन के डब्बा के लास्ट में जो एक वॉच गार्ड मिलता है, तो वो था। तो तीनों मिलके ट्रेन का सफ़र शुरू कर रहे थे, एकदम लास्ट में वॉच गार्ड था और इधर इंजन में दोनों लोग थे। अब होता क्या है कि ये लोग निकल पड़ते हैं, तो खाना वाना खा के ही निकले थे सब, तो सीधा इनको सिग्नल जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे आगे बढ़ते जाना है। तो रात करीबन 1:30 बज चुके थे और वो उसी जंगल भरे रास्ते से गुजर रहे थे। जंगल बहुत लंबा था, मतलब लगभग लगभग 3 से 4 घंटा का जंगल वाला ही एरिया था। अब ऐसे में ये लोग गुजर रहे थे, 1:30 बज गए थे, गुजर रहे थे। तो होता क्या है कि एक अचानक मतलब सिग्नल मिला हुआ था, ट्रेन का कोई दिक्कत नहीं था सिग्नल का, तो ये लोग एकदम अच्छे से स्पीड में उस ट्रेन को लेके आगे की तरफ क्रूज कर रहे थे। अब होता ये है कि बीच में जो असिस्टेंट पायलट जो होता है, जो विकास जी के साथ असिस्टेंट पायलट था, वो क्या करता है, वो देखता है दूर से कि एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है रेल पटरी के बीच में। अब ऐसे में विकास जी तो बोलते हैं ठीक है तब ब्रेक मार दो, तो बहुत ही इमरजेंसी ब्रेक लगाया जाता है, ठीक है। ऐसे में ट्रेन एकदम उस पेड़ से टकराते टकराते बचता है, यानी कि थोड़ी ही दूर में, मतलब मान के चलिए ये पटरी, ये पेड़ है और यहाँ ट्रेन है, तो ऐसे थोड़ी ही देर में, थोड़ी ही दूर में वो ट्रेन रुक जाती है और उसमें नहीं टकराती है, ठीक है। अब होता ये है कि पीछे से कॉल आता है वॉकी टॉकी में वॉच गार्ड का कि क्या हुआ, आपने ट्रेन क्यों रुका। तो यहाँ पे विकास जी और वो लोको असिस्टेंट कहता है कि भैया ऐसा ऐसा बात है, एक पेड़ गिरा हुआ है, उसको कैसे भी करके हटाना होगा वरना ये ट्रेन मतलब डीरेल हो सकता है ये ट्रेन, ठीक है, अगर आगे बढ़े तो डीरेल हो सकता है, पटरी से उतर सकता है। तो ऐसे में वॉकी टॉकी से पास के ही, जितना नियर बाय पास में ही स्टेशन हो सकता था वहाँ पे कॉल लगाया गया
और वहाँ पे बोला कि ऐसा ऐसा बात है। तो वहाँ से फिर मैसेज आता है उन लोगों को वॉकी टॉकी के माध्यम से ही कि ठीक है, हम टीम भेज रहे हैं और लगभग लगभग 1 घंटा के अंदर अंदर आपका जो पटरी है वहाँ से हटाने का कोशिश करेगा, हमारा टीम जा रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ऐसे में तीनों ने डिसाइड किया कि चलिए ठीक है, अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जो पीछे वॉचगार्ड था वो तो सब कुछ अपना लॉक करके रखा था, ठीक है, वो अपना डिब्बा लॉक करके रखा था, और इधर ये लोग दोनों सबसे शुरू में जो इंजन था उसमें दोनों लॉक थे। अब ये लोग थोड़ा बहुत जो खाना वाना इनके साथ था वो लोग खा रहे थे, गपशप कर रहे थे। पीछे जो वॉचगार्ड था वो भी वॉकी टॉकी के माध्यम से पूरा टाइम कनेक्टेड था ताकि इन लोगों को डर ना लगे। अब देखिए होता क्या है कि लगभग लगभग 10 मिनट गुजर जाते हैं, कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत इनका कहना है कि थोड़ा बहुत बारिश शुरू होने वाली थी, ठीक है, ऐसा लग रहा था, लाइटनिंग हो रहा था, चारों तरफ हवाएं बह रही थी, ठीक है। तो इन लोगों को लगा कि अब तो बरसात थोड़ा बहुत हो सकता है, तो कोई बात नहीं, अपना अपना इंजन और अपना अपना डिब्बा में घुस के रहिए, बाहर मत निकलिए अभी इस टाइम जब तक टीम ना आ जाता है। तो ये लोग टीम का इंतजार करते रहे, लगभग लगभग 1 घंटा बीत गया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो अब ये लोग वापस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से मैसेज आता है इनको कि देखिए भैया, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है और जब तक बारिश नहीं थमेगी टीम नहीं निकल पा रही है यहाँ से, ठीक है। ऐसे में उन लोगों को कहा जाता है कि कोई बात नहीं, आप लोग इंतज़ार करिए और टीम जितना जल्दी पहुंच जाएगा आपके वहाँ पे, आपको उतना ही जल्दी हेल्प मिलेगा और आप लोग आगे की ओर बढ़ सकते हो। तो इन लोगों का क्या काम है, इन लोगों का काम है कि वहीं पे इंतज़ार करना। तो वही बातचीत का सिलसिला चलता रहा। एक टाइम ऐसा आया कि इंतज़ार करते करते हद हो चुका था, ये तीनों थक सक चुके थे और ये तीनों ने डिसाइड किया कि भैया ऐसा है कि हम लोग थोड़ा सो जाते हैं, जैसे टीम आएगा बाद में उठ के हम लोग भी लग जाएंगे, ओके। तो ऐसे में क्या होगा, इन इन लोग तीनों ने डिसाइड करके ये लोग एक दूसरे का वॉकी टॉकी कनेक्ट करके, मतलब पीछे वाला वॉकी टॉकी और सामने वाला वॉकी टॉकी एक साथ कनेक्ट करके ये लोग सो जाते हैं, ठीक है। तीनों का नींद, तीनों का आँख लग जाता है। ठीक 15 या 20 मिनट हुए होंगे और उस टाइम से होता है कहानी शुरू। अब देखिए क्या होता है, इन लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि कोई मालगाड़ी का जो डिब्बा होता है जिसमें कोयला वगैरह लोड होता है, उस टाइम क्या लोड था इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, बट इनका मानना है कि जो भी मतलब उस डिब्बे को खोला जा रहा था ऐसा करके आवाज़ उठ रहा था, ठीक है। ऐसा लग रहा था कोई हथौड़ी से उसका जो सीकल है उसको खोल रहा था ताकि जो भी माल है वो उतार सके, मतलब वहाँ पे गिरा सके, ठीक है। तो ऐसे में बहुत ही जोर जोर से थोड़ा रुक रुक के ऐसा लग रहा था बस एक ही जन होगा जो एक ही हथौड़ी ठोक रहा होगा उस गाड़ी में, किसी डिब्बे में बीच में। तो वो जो आवाज़ था वो उन लोगों को धीरे धीरे करके आ रहा था। अब ऐसे में इन तीनों का नींद खुलता है, तीनों एक दूसरे को उठाते हैं, वॉकी डॉकी के माध्यम से ही बात करते हैं कि कोई चोरी करने के बहाने ये सब किया होगा और रेलगाड़ी में चोरी हो रहा है। ऐसे में गार्ड का काम बनता है उसको देखना। तो जो विकास जी है वो कहते हैं कि भैया आपके पास अगर टॉर्च वॉर्च है तो एक बार देखो उतर के, चोरी का ही सीन है तो कुछ होगा। तो लोको पायलट कहता है कि आप वॉकी टॉकी में कनेक्ट रहो और जाके देखो टॉर्च लेके कि कोई क्या कर रहा है। तो ऐसे में जो वॉच गार्ड होता है पीछे वो क्या करते हैं, वो अपना डिब्बा से उतरते हैं और वहाँ से टॉर्च मारते हैं। टॉर्च बहुत पावरफुल होने के कारण पूरा अच्छा से दिख रहा था, बट उन्हें कुछ नहीं दिखता है। वो एक बार इस तरफ, वो एक बार उस तरफ जाके देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई इंसान नहीं दिख रहा था या कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन जो आवाज़ था वो अजीब तरीके से एक टाइम बाद बाद ढंग 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 करके आवाज़ें उठ रही थी। अब होता यह है कि लोको पायलट और असिस्टेंट पायलट को बताता है वॉचगार्ड कि भैया ऐसा ऐसा बात है, कोई दिख तो नहीं रहा है लेकिन आवाज़ आ रहा है। तो इन लोग कहते हैं कि हो सकता है कोई ऊपर से या कोई नीचे से उसको खोलने का कोशिश कर रहा होगा, आप एक बार आगे बढ़ के देखिए, हम लोग सामने में ही हैं, किसी तरीके का मदद चाहिए होगा, फटाक से हम लोग आ जाएंगे। ऐसे में क्या होता है, वो जो वॉचगार्ड होता है उसको भी लगता है कि कोई इंसान का ही काम है ये। तो वो अपना लाठी वाठी जो भी उसके साथ था वो लेके जाता है, ठीक है, और ऐसे में बीच तक पहुँचता है तो भी उसे कुछ नहीं मिलता। तो लोको पायलट जो होते हैं, विकास जी जो होते हैं, वो लोग कहते हैं कि भैया आप और थोड़ा आगे आ जाओ, कुछ ना कुछ तो कोई ना कुछ तो कर ही रहा होगा ना, तब आवाज़ उठ रहा है। तो ऐसे करते करते वो लोग, वो जो वॉच गार्ड है वो ठीक इंजन के पास आ जाता है और फिर वो तीनों एक साथ इंजन से उतर के, ठीक
ठीक है, वो तीनों एक साथ हो जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि यार कहाँ पे आवाज आ रहा है। तो अब जो आवाज आ रहा था वो बहुत ही दूर में आ रहा था, एकदम लास्ट की तरफ। ठीक है, तो ऐसे में इन लोगों ने डिसाइड करते हैं कि चलो तीनों देखते हैं कि क्या मामला है। तो ये तीनों जाते हैं लास्ट की तरफ, और लास्ट की तरफ जाते 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 आवाज थोड़ा थोड़ा तेज होते हुए इनको सुनाई देता है। लेकिन जैसे ही वो लास्ट की तरफ जाते हैं, अबाउट 4 या 5 डिब्बा होगा बचा हुआ, ठीक है, तो फिर वो आवाज फिर आगे की तरफ से आने लगता है। अब इन लोगों को लगता है कि कोई बदमाशी कर रहा होगा, 2-3 आदमी होगा इन लोग। तो एक काम करते हैं, हम लोग इंजन में चलते हैं, ठीक है, और इंजन में ही अपने आप को लॉक कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई गैंग हो और हम लोगों का जान का खतरा हो। तो ये लोग फिर इंजन की तरफ आते हैं, और इंजन की तरफ आते हैं आवाज इनको तेज होता हुआ सुनाई देता है। लेकिन जैसे ही फिर 2-3 डिब्बा रह जाता है इंजन तक पहुंचने के लिए, तो फिर ये आवाज़ पीछे से होने लगता है। अब ऐसा कंटिन्यू होता है, तो इन लोगों ने सोचा कि कोई गैंग होंगे ये लोग, और ये लोग ऐसे ही करके हमें झांसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इंजन में घुस के अपने आप को लॉक कर लेते हैं। तो ये तीनों अपने आप को वहाँ पे लॉक कर लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि इधर भी बारिश तेज हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है, और काफ़ी हवा, काफ़ी लाइटनिंग, काफ़ी बारिश होने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये तीनों इधर लॉक थे, इधर इन लोग चाय वगैरह पी रहे थे, क्योंकि चाय वगैरह ये लोग लाए थे। ठीक है, अब ये तीनों को क्या देखने को मिलता है कि इनका जो रेलगाड़ी है वो थोड़ा बहुत हिलता हुआ नजर आता है, ठीक है, खुद ब खुद। अब ऐसे में जो विकास जी हैं वो तुरंत ब्रेक को लगा देते हैं कस के। ठीक है, ब्रेक कस के लगाने के बाद वो गाड़ी रुक जाता है। अब फिर बारिश हो ही रहा था कंटिन्यू, और उधर आवाज़ एक बार पीछे तरफ, एक बार आगे तरफ, ऐसा कंटिन्यू हो रहा था। लेकिन जो आवाज़ था वो लगातार हथौड़ी ठोकने का हो रहा था, लेकिन वो जो आवाज़ था वो एंड नहीं हो रहा था, वो लगातार सेम तरीके का आवाज़ हो रहा था। तो ये लोग डिस्कशन कर रहे थे कि यार ऐसा भी क्या हो रहा है कि ना तो खुल रहा है ना तो कुछ हो रहा है, लगातार ये आवाज़ हो रहा है। तो 20-30 मिनट बाद वो बारिश फिर से रुकता है, और ये लोग फिर से अपने आप को थोड़ा सा साहस उत्पन्न करके अपने आप में ये लोग ट्राई करने का कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले ये लोग फिर अपने नियर बाई स्टेशन में वॉकी टॉकी के माध्यम से कनेक्ट करते हैं कि भैया अब हेल्प मिलेगा या नहीं। तो उनको पता चलता है कि उधर अभी भी जोरदार बारिश हो रही है, और हेल्प टीम भेजना भेजना तो चाहते हैं वो लोग, लेकिन हेल्प टीम अवेलेबल नहीं है इस टाइम, मतलब कुछ स्टाफ कम पड़ रहे होंगे, इसीलिए हेल्प टीम जुगाड़ नहीं हो रहे थे। तो उन लोगों को कहा जाता है कि आप लोग कोई टेंशन मत लीजिए, आप लोग इंतजार कीजिए, सुबह तक जैसे ही सुबह होता है हम लोग हेल्प पहुंचा देंगे, और बारिश रुक जाएगा तो ऑब्वियसली आपके पास जल्द से जल्द हेल्प पहुंच जाएगा। ऐसे में इन लोगों को लग ही गया था कि देखो भैया आज रात कुछ होने वाला नहीं है, आज पूरा रात हम लोगों को यहीं पे जो करना है करना है। अब ये लोगों ने सोचा कि ठीक है, ज़्यादा झंझट है नहीं, सिंगल वे है तो कोई ट्रेन आएगा नहीं, तो एक काम करते हैं हम लोग सोते हैं। ठीक है, तो ये लोग तीनों एक एक साथ इंजन में, जो फ्रंट इंजन है वहाँ पे सो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद कस कस की आवाज़ होता है, वही सेम आवाज़ कस कस के होने लगता है। ठीक है, और इसी के कारण तीनों का नींद फिर से टूटता है। अब ये लोग सोचते हैं ये क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हमें उतर के देखना भी चाहिए या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में इन लोगों को बाहर जो है वो दिखता है कि बारिश बारिश रुक सा गया है, और बहुत ही हल्का हल्का बारिश होते हुए नजर आता है। ठीक है, हवा वगैरह नहीं चल रहा था, लाइटनिंग नहीं हो रहा था, खाली बारिश हो रहा था, वो भी बहुत हल्के हल्के। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है एक बार फाइनली और एक बार देख लेते हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो बाहर में जाए, हम लोग इंजन में लॉक करके खुद को सो जाएंगे। अब ऐसे में कहानी शुरू होता है यहाँ से कि वो लोग जैसे ही उतरते हैं, उन लोगों को वो आवाज़ एक बार सामने, एक बार पीछे, एक बार बीच में, ऐसे कंटिन्यूसली तुरंत तुरंत बात सुनाई देता है। अबाउट 5 से 6 सेकंड बाद बाद, मतलब 5 सेकंड सामने से, 5 सेकंड बीच से, 5 सेकंड एंड से। तो इन लोगों को लगता है डर। ठीक है, इन लोगों को लगता है कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, ये कुछ गड़बड़ है। तो ये लोग तुरंत डिसाइड करते हैं कि भैया इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर माल लूटता भी है तो लूट जाने दीजिए, जान से ज़्यादा हम लोग अपना रिस्क नहीं ले सकते रेलवे का प्रोडक्ट के लिए, रेलवे का सामान के लिए। तो ऐसे में क्या करते हैं ये लोग फिर इंजन की ओर चढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक ज़ोरदार आवाज़ होता है, और जो गार्ड साहब थे, जो वॉच गार्ड था वहाँ पे, तो वो अपना टॉर्च लाइट
उनका टॉर्च लाइट काफी पावरफुल होने के कारण सब कुछ दिखता था, तो वो फटाक से टॉर्च लाइट मारते हैं पीछे तरफ, तो उन्हें एक इंसान जैसा दिखता है, ठीक है, जो एक बड़ा सा हथौड़ी लेके उस बीच में मारे जा रहा था, ठीक है। तो ऐसे में वो तीनों इंजन में नहीं चढ़ के वो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या करना चाह रहा है। लेकिन ये लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, टॉर्च का लाइट कंटिन्यूसली ऑन रखा था इन लोगों ने, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इन लोगों को दिखता है कि एक इंसान जैसा चीज़, वो अपना मोटा सा हथौड़ी, मोटा, बहुत ही मोटा सा हथौड़ी लेके वो लगातार ठोक रहा था एक डिब्बे को, एक बीच वाले डिब्बे को, लेकिन वो कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मतलब जैसे जैसे नज़दीक आते गए तीनों उस चीज़ से, तो उनको दिख रहा था कि वो कुछ करने का कोशिश नहीं कर रहा था, वो बस ठोके जा रहा था, वो कुछ खोलने का या कुछ चोरी करने का कोशिश नहीं कर रहा था। तो इन तीनों ने सोचा कि ये कोई पागल वागल लगता है, हम लोग जाते हैं उसको देखते हैं। तो जैसे ही वो लोग जाते हैं और थोड़ा सा ही दूरी में वो जो इंसान जैसा दिखने वाला चीज़ एक राक्षस जैसा चीज़ में बदल जाता है। उसका हाइट लगभग लगभग 8-9 फुट का हो जाता है और बाल वगैरह सब मतलब लंबा लंबा, इतना लंबा लंबा हो सकता है, आई डोंट नो, वो तो स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन कहता है कि बड़ा बाल था और कोई आदमी ही था, कोई औरत नहीं थी, कोई आदमी था, जो 5 फुट 6 फुट से लेकर सीधा 9-10 फुट का हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, ये लोग काफ़ी डर जाते हैं और ये जो जो सबसे जूनियर असिस्टेंट लोको पायलट था वो चिल्लाने लगता है कि हट हुट करके चिल्लाने लगता है वो। तो ऐसे में वो जो जो भी था वो चीज़, वो अपना हथौड़ी इन लोगों की तरफ कर देता है और इन लोगों को मारने जा रहा होता है। लेकिन जो गार्ड साहब थे वो टॉर्च उसका मुंह में देते हैं, ठीक है, फटाक से मुंह में डाल देते हैं, मतलब मुंह की ओर रोशनी करते हैं टॉर्च, और इसकी वजह से उसे टॉर्च का रोशनी बहुत ज़्यादा आता है और इस वजह से वो पीछे की ओर हटता है, ठीक है। तो इन लोगों को समझ में तुरंत आ गया कि ये लाइट से डर रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इन इधर जो लोको पायलट था उसके पास भी टॉर्च था, तो वो भी टॉर्च जला देता है, डबल टॉर्च जला देता है और उसके मुंह की तरफ रोशनी मारने लगता है। अब होता क्या है कि इतना रोशनी में उसे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगता है वो जो भी चीज़ था, और वो पीछे की ओर भागते जाता है। लेकिन ये लोगों ने उसका पीछा नहीं किया और ये लोग इंजन की तरफ उल्टा भागते हैं। लेकिन जैसे ये लोग इंजन की तरफ भागते हैं और वो पीछे की तरफ भागता है, तो क्या होता है, थोड़ी ही देर में वो जो हथौड़ी था पीछे से उड़ के आता है। मतलब ऐसा लगता है कि वो जो जो भी चीज़ था वो उस हथौड़ी को उन तीनों की तरफ फेंका था। अब ये जो हथौड़ी था, ये जो लोको पायलट था, ठीक है, उसके पैर में आके टकराता है, बहुत जोर का टकराता है, और उसका एक पैर ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक पैर टूट गया हो, ठीक है। तो अभी इन लोगों ने रिस्क बिल्कुल नहीं लिया, उन दोनों ने लोको जो जूनियर लोको पायलट असिस्टेंट था उसको उठा लिया दोनों ने और फटाफट इंजन में जाके अपने आप को लॉक करके रह गया। अब ऐसे में वो लोग नियर बाय स्टेशन में कनेक्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, लेकिन वो कनेक्शन उसके बाद से होता ही नहीं है। लगभग लगभग सुबह के 4 बज चुके थे, ठीक है, इधर बारिश थोड़ी बहुत हो रही थी और क्लाउडी था, तो इस वजह से लगभग लगभग 6-6:30 बजे तक आसमान साफ होता। तो ये लोग अपने आप को सेफ रखने के लिए पूरी तरीके से उस इंजन को लॉक कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इंजन के बाहर तक नहीं देखने का। उन लोगों ने वो क्या अजीब चीज़ देखा था उन लोगों को खुद नहीं पता। मुझे बिगा जी कहते हैं कि देखो ऐसा है कि वो जो भी चीज़ था उसको कभी भी फाइंड आउट नहीं किया गया। बाद में हम लोगों ने कुछ अपने रेलवे के कर्मचारी के जो दोस्त थे उन लोगों से भी पूछा, तो उन लोगों ने बोला कि ऐसा कुछ भी हमारे सामने नहीं आया है तो हम बता नहीं पाएंगे। और इस मामले को मतलब वो लोग भूल ही जाना चाहते थे, इसलिए इस मामले को कभी कभी उठाया ही नहीं गया, ठीक है। तो ऐसे में आई डोंट नो ये कहानी आपको कितना रियलिस्टिक लगा होगा या कितना फिक्शन वाला लगा होगा, लेकिन जो भी है यार, अगर सोच के देखो, अगर ऐसा कभी होता है, अगर ऐसा कभी अजीब सा चीज़ आपको दिखता है जो कभी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है वो आपको नहीं पता हो, तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा सोचना इसको प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो और कुछ ऐसा हमें दिखे जो एक्चुअली हमें पता नहीं है कि कोई ऐसा चीज़ एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो आप सोच के देखिए कैसा लगेगा। तो ये कहानी था मुझे शेयर करने के लिए, धन्यवाद विकास जी। और मैं तो कहूँगा कि आप लोगों के पास अगर कोई कहानी है तो डेफिनेटली शेयर करिए, जीमेल में शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी कहानी
हिंदी इंग्लिश या हिंग्लिश में लिख के आप मुझे शेयर कर सकते हो। मैं आपका जो एक्सपीरियंस है या जो भी कहानी है वो मैं यहाँ पे इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से लोगों तक अच्छे से रखूँगा और हो सकता है लोगों को कुछ नया जानने मिले। तो ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा ये जो भी ये इंसिडेंस था। ठीक है, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर मिलते हैं।